और सुनीता जी, मुझे ये बताइए कि तुमने जो पहले ऑलरेडी 3-4 बच्चों को तुमने पढ़ा के लिखा के उनको एक अच्छी भविष्य भी दिए हैं और शादी भी किए हैं, और आजकल जो एक सुनने में आ रहे थे कि एक बच्चे जो 3 दिन के बच्चे भी आपके गोद में देके गए हैं, जो उसका नाम क्या है और क्या कर रही हो बच्चा? उसका नाम उस बच्चे का चाहत रखा हमने। अच्छा, वो कैसे, मतलब जैसे लड़का है कि लड़की है? वो नहीं तो लड़का था और ना तो लड़की थी। अच्छा। वो डॉक्टरों ने कह दिया, जिसमें पैदा हुई थी तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये किन्नर है। डॉक्टर ने कह दिया किन्नर हाँ, है। डॉक्टर ने कहा कि किन्नर है ये। हाँ, तो उस बच्चे का अब कितने लोग अपने, वैसे भी होते हैं कि किसी के घर में एक किन्नर हो जाता है तो शर्म के मारे बेचारे वो सोचते हैं कि अब हर गली में, आजकल हर मोहल्ले में कोई भी होता था कह देता है कि इनका लड़का तो ऐसा है, इनका बच्चा तो किन्नर है। तो कितने लोग ऐसे हैं अभी भी, हम तो यही चाहते हैं कि चाहे वो किन्नर हो चाहे वो कैसा भी हो बच्चा, बच्चे को अपने घर रखे तो और अच्छा नहीं, है। देखो मैं एक आपकी बात काट रही हूँ। देखिए दोस्तों, 3 दिन की बच्चे जो डॉक्टर ने कह दिए कि ये किन्नर है बोल के, तो इनकी आत्मे तमाके गए। उस बच्चे का सिर्फ यही गलती है, जो ऑर्गन्स ऑर्गन्स को दे के तुम जेंडर को तुम कैसे डिसीजन ले सकते कोई भी, है ना, जिसमें वजाइना भी बना हुआ हो, जिसमें पीनस भी लगा हुआ हो, मतलब कंफ्यूज ऑर्गेन्स हो जाए तो उसको समझ जाते कि लोग एक किन्नर है। मगर गलत बात है ना, मैंने पहले भी बहुत सारी बातें बताई हूँ कि किन्नर वही होता है जो इज अ बायोलॉजिकल मेल होता है, जो साइकोलॉजिकल इज अ फीमेल होती है, जो अपनी चॉइस, अपनी सोच, अपने विचार और अपना जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है वो यहाँ से होती है। मगर जो बच्चे जो जिन्होंने इनको देखे गए, वो बच्चा ही इंटरसेक्स बच्चा है, वो 13-14 साल बाद वो बच्चा क्या पता लड़का भी निकल सकता है या और लड़की लड़की भी भी निकल निकल सकती सकती है। है। तो मगर यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा बच्चा पैदा हो तो प्लीज़ माँ बाप, पेरेंट्स और सोसाइटी उनसे, उन जैसे बच्चों की बचपना ना छीने, उन जैसे बच्चों की भविष्य ना छीने। मैं मानती हूँ भले हमारी गोद में अगर देके भी गए, हमारी जैसी सुनीता मंगलमुखी जैसी गोद में भी देके गए, तो हम उसको पैसा देंगे, प्रॉपर्टी देंगे और माँ की ममता भी देंगे, सब कुछ देंगे। जो रियलिटी जो है, रियल जो है, वो कहाँ से दे पाएंगे? आज नहीं तो कल वो बड़ा होगा, वो मैच्योर होगा वो बच्चा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी रियल माँ बाप कौन है बोल के। तो उससे पहले हम लोगों को, हम सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमने एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है। जैसे मेल बच्चा, जैसे फीमेल बच्चे को तुम एक्सेप्ट करते हो, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी प्लीज़ एक्सेप्ट किया जाए, एक इक्वल जैसे उनको भी वही प्यार मिले। और एजुकेटेड करो, क्वालिफाइड करो, और आने वाले टाइम में हमारा देश, हमारा सरकार, हमारा सोसाइटी, हमारा सब कुछ, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है। सही कह रही ना सुनीता हाँ, जी? बहुत अच्छी बात है, अच्छा बहुत मुझे ये अच्छी। बताइए, हाँ आपने राजस्थान के अंदर भी आपका एक डेरा है गणेशगढ़ बोल के, मैंने सुनने में आई, हाँ तो आपने सब कुछ जो जो करवा रहे हो, प्रोग्राम जो करवा रहे हो, कवाली करवा रहे हो और कलश यात्रा करवा रहे हो, तो यज्ञ भी सब करवाया यज्ञ भी मैंने। करवा रहे हो, तो किसके लिए करवा रहे हो बताइए मेरे को। ये सारी चीज़ें तो जो भी है ये तो अच्छा। हम करवा रहे हैं कि सभी हमारे देश में जितने, जहाँ हमारा खा रहे हैं, हम जो हमें खिला रहा है, हाँ जी। तो उनके लिए भी तो कुछ हमें सोचना है नहीं है, तो अच्छा, उनके लिए भी हम करते हैं ठीक है ठीक है। कि हमारा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सुख शांति रहे, पूरे हिंदुस्तान में रहे, हाँ जहाँ जी, रहते हैं कि हम वहाँ क्या शांति हो, हम तो पूरे हिंदुस्तान में शांति हो शांति हो, और सभी खुश रहें। सही। देखिए इसलिए पूजा पाठ यज्ञ जो है ये इसलिए करवाया जाता है कि किसी का, जैसे हमने कल्याण भूमि के अंदर करवाया, गणेशगढ़ के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, जिला हाँ श्री गंगानगर के अंदर, तो हमने इसलिए, क्योंकि कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हाँ रोड पे मर जाता है, या कोई घर के अंदर, या कोई जहर खा लेता है, हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ खा लेता है, तो जैसे जे ऐसी जिसकी जिसकी मौतें होती हैं, तो हम तो इसके लिए कर रहे कि उन इंसान को एक मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिले। देखिए ये है मंगलमुखी का सोच और विचार, और हम ये चाहते हैं कि मंगलमुखी अगर यज्ञ करवाते हैं
और अगर वो कलश यात्रा करवाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करवाती, अपने अच्छाई के लिए नहीं करवाती, वो अपने बच्चे वाले जो हैं, अपने जिजमान जो होते वही उनकी असली पेरेंट्स होते हैं, जिनके हम खाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वही बच्चे वाले जो जिजमान जो होते उनकी अच्छाई के लिए करवाते और उसके साथ साथ देश की अमन चमन शांति इंसानियत को कायम करने के लिए करते और उसके साथ पूरा दुनिया में यही संदेश जाए, अमन चमन शांति इंसानियत और सच्चाई और अच्छाई श्रद्धा और सब्र, ये संदेश पूरे दुनिया में जाए। वाकई में कितने अच्छा लगे आप सबको, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ आई मैंने पहली बार यहाँ प्रीतमपुरम में आई तो इनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन बना हुआ है, इतनी अच्छी इज्जत बना हुआ है। बताइए भले शरीर से किन्नर है मगर सोच और विचार कितनी ये है। नमस्कार, आप सबके काजल मंगल।